हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता और मेरे चैनल टेस्टी फूड विद बबीता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तंदूरी चाय, जो कि बनाने में बिल्कुल ही इजी है और इसका टेस्ट फ्रेंड्स तो मैं आपको वीडियो में बता ही नहीं सकती। इसे तो आप बना के पियेंगे तभी आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इसकी जो खुशबू होती है ना, ये जो मिट्टी के बर्तन में होती है, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो सबसे पहले हमें तंदूरी चाय बनाने के लिए चाहिए इस तरह का, ये मिट्टी वाला जो ग्लास होता है चाय पीने वाला, इसे हम कुल्हड़ कहते हैं। तो इसी का सबसे मेन रोल होता है इस तंदूरी चाय में। तो चलिए हम देर ना करते हुए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तंदूरी चाय। तो सबसे पहले यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पे हमें रख देना है बर्तन चाय बनाने के लिए। और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब। और पानी में जब हल्का उबाल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हमने डाला है इसमें 1 गिलास। और दूध डालने के बाद हमें डालना है इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती। और चाय पत्ती डालने के बाद यहाँ मैं ये डाल रही हूँ 2 इलायची, जिसे मैंने इस तरह से कूट लिया है। और इसके बाद हमें डालना है इसमें 2 चम्मच शुगर यानी कि शक्कर। और ये सब डाल के हमें एक बॉईल आने तक फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। और जब एक बॉईल आ जाए इस तरह से, तब हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसे कम से कम 5 मिनट तक हमें बहुत ही अच्छे से चाय को पका लेना है। फ्रेंड्स, चाय जब बहुत अच्छे से पकती है तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। और जब तक ये चाय पकेगी तब तक हम गैस के दूसरे साइड पर ये जो मिट्टी वाला कुल्हड़ है इसे रख देंगे गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से गरम कर लेना है। और 5 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, ये चाय हमारी कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल पक गई है। ये देखने से ही पता चल जाता है कि चाय बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। फ्लेम को हम करेंगे ऑफ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमें लेना है एक बड़ा सा बर्तन और इसमें हमें बहुत ही आराम से और सावधानी पूर्वक इस गर्म कुल्हड़ को रख देना है। और इसके बाद हम ऊपर से फ्रेंड्स डालते हुए चाय को छानेंगे, क्योंकि इसमें चाय जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और चाय भी गर्म होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है। धीरे धीरे करके हम चाय को छान लेंगे इसमें। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तंदूरी चाय बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है और ये हमारी तंदूरी चाय बन गई है, पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम सर्व करेंगे कुल्हड़ में ही। फ्रेंड्स, कुल्हड़ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसे हम छन्नी से एक बार छान लेंगे फिर से। फ्रेंड्स, कुल्हड़ को यूज़ करने के पहले पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए और इसके बाद हमें इसमें चाय छान लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तंदूरी चाय बन के बिल्कुल पीने के लिए तैयार है। इसके ऊपर हम दूध की थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी तंदूरी चाय मलाई मार के पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से बनाइए तंदूरी चाय और इन्जॉय करिए मानसून। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए।